अफ्टरनून एवरीवन। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बजा होगा। आज है हमारा कैंपिंग का नेक्स्ट डे और आप देख सकते हो यहाँ पे कल रात में या मॉर्निंग को इतना स्नो था, ड्रोन शॉट में आपने देख ही लिया था, बट अभी एक भी स्नो नहीं है क्योंकि धूप निकला हुआ है और लाइट का कोई सोर्स ही नहीं है यहाँ पे। कल शाम को BSNL का 4G मिल रहा था, लेकिन रात जैसे ही हुआ, स्नोफॉल जैसे ही हुआ, बर्फीले तूफान जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो नेटवर्क चला गया 4G का। फिर कल के बाद से अभी तक नहीं आया। फिलहाल मैं अभी हूँ यांगथांग वैली। मैं कल लास्ट वाला ब्लॉग में बता दिया था मैं हूँ यांगथांग वैली में, एंड मेरे चारों साइड में आप देख सकते हो कितना अच्छा या खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ पे हम लोग कैंपिंग का सोच रहे हैं। आज है 25 दिसंबर और कैंपिंग ऑलरेडी कर रहे हैं कल से। जस्ट आप एक बार ये व्यू देख लो और मैं देखता हूँ, ड्रोन शॉट अगर लेता हूँ तो मैं दे दूँगा। अभी फ़िलहाल एक और टेंट हमारा पिच हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि कल रात को हम लोग एक टेंट में 3 लोग, छोटा वाला टेंट में जो 2% टेंट है उसमें 3 लोग, और साइड वाला जो एक्सटेंशन लगा उसमें 3 लोग सोए हुए थे। फिलहाल एक और टेंट लग रहा है हमारा, देखते अभी क्या होगा, कैसा होगा वो तो सब आपको बताएंगे। मुझे रिवर के उस साइड पर जाना है, जाऊँगा अभी थोड़ा देर के बाद। अभी तो है यहाँ पर 1-2 दिन और, देखते कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अभी फिलहाल लंच का प्रिपरेशन चल रहा है और प्याज वगैरह ये काटा जा रहा है, और उधर भाई चिकन को काट रहा है। बाहर इतना ठंड है ना, बात नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना ठंड है, और टेंट के अंदर बहुत गर्म है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये वाला क्या बोलते हैं इसको, स्टोव या जो भी है, ये जल रहा है। और इसका प्राइस क्या पता है आपको, इसका प्राइस क्या पता है, 56,000। ये अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किया हुआ है। और इधर हमारा चावल बन रहा है, ये हमारा चावल बन रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी बन चुका है चावल, ये छोटा सा स्टोव पे बन रहा है। हमने बहुत सारा बूटन गैस का सिलेंडर को कैरी किए थे और लकड़ी भी है बहुत सारा। पानी वगैरह तो कोई कमी नहीं है, पूरा रिवर साइड हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। तो चलो अभी लंच बनेगा, खाएंगे, फिर आप लोगों के साथ बात करेंगे जैसे जैसे शाम होता जाएगा। आज देखता हूँ अगर नाइट लैप्स मुझे अच्छा वेदर मिले तो नाइट लैप्स भी मैं बना लूँगा आज का, और ड्रोन शॉट कैसा लगा मॉर्निंग का वो ज़रूर बताना। तो भाई लोग जब तक खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सोचा उस साइड से, वो जो साइड है वहाँ से थोड़ा घूम आऊँ। तो भाई लोगों का मैंने गमबूट ले लिया क्योंकि यहाँ पर रिवर, शायद यहाँ पे पानी गहरा होगा, उस साइड से जाना पड़ेगा। चलो अभी उस साइड में चलते थोड़ा, हाँ इस साइड से पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। वो वाला जगह थोड़ा अच्छा था, वो आगे वाला जगह थोड़ा अच्छा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते, आ गए नहीं, इधर से नहीं जा रहा है यार।
चलो कैसे वैसे भी निकल गया। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ में ऐसे जगह पे कैंपिंग करना, मज़ा आ रहा है, कुछ मतलब बोल नहीं सकता, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। फिलहाल अभी इस साइड से मैं जा रहा हूँ उस साइड में है एक ब्रिज जो आपको दिख रहा होगा, एंड हमारा कैंपिंग लोकेशन है वो जगह। यहाँ पे ठंड है लेकिन रात में -20 तक टेम्परेचर था कल रात को। अच्छा हुआ मैंने अच्छा सा एक स्लीपिंग बैग कैरी किया था, मेरा सांस फूल रहा है और मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ उस ब्रिज के पास जिसका उतना दूर से व्यू आ रहा था, लेकिन अभी सी दिस, एक बार देखोगे? चलो देखो। फिलहाल मैं इस ब्रिज के ऊपर ही खड़ा हूँ। सिनेमैटिक शॉट कैसा लगा बताना, अच्छा तो नहीं हुआ क्योंकि इस ब्रिज पे मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये देखो ब्रिज टूटा हुआ है, एक भी बोल्ट नहीं है, बट मैं अभी इससे नीचे जा रहा हूँ क्योंकि ये डेंजरस है इसके ऊपर चलना। ये देखो, देखा साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कोई रहता नहीं है ना, इसलिए इसका कोई मेंटेनेंस का है नहीं। जब लोग रहेगा तभी ना यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह होगा ना। यहाँ पे मुझे इनवाइट किया था बिपिन जी, जिनको मैं आपको दिखाया हुआ हूँ कल वाला वीडियो पे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उनसे मेरा एक साल से बात चल रहा है। उनका मैंने वीडियो देखा था, उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं कैंपिंग वगैरह का, एंड पर्सनली उनसे कुछ बिजनेस रिलेटेड भी मतलब बात वगैरह चलता है हमारा, तो इस वजह से उन्होंने बोला आप कैंपिंग वगैरह हम लोग करते हैं। फिर मैंने बोला मुझे भी एक्सप्लोर करना है ये वाला लाइफ, तो मैंने बोला ठीक है हम लोग दिसंबर को निकलते हैं। जो उनका वो जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उनका छुट्टी जब रहेगा तभी वो निकलता है कैंपिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मैं सोचा था पानी का लेवल कम होगा लेकिन कम नहीं है, ये देखो। ये वाला लाइफ ना मस्त होता है, लेकिन वही आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिल रहा है BSNL का 4G था कल शाम को, मैंने फेसबुक में थोड़ा लाइव वगैरह किया, मैं सोचा था यूट्यूब पे भी लाइव करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 4G का कोई नामो निशान नहीं है। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा लाइव आ जाऊँगा आधा घंटे या 10-15 मिनट के लिए। मेरा मोबाइल अभी सोलर पैनल पर चार्ज हो रहा है, मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा देर पहले कि सोलर पैनल पर मोबाइल वगैरह चार्ज करना पड़ता है। हमारे पास 3-3 सोलर पैनल है, गाड़ी है, मैं 2-2 पावर बैंक भी कैरी कर रहा हूँ, GoPro का एक्स्ट्रा बैटरी भी कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता था यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, तो इसीलिए। तो चलो अभी रिवर क्रॉस कर लिया, ये देखो एंड हमारा कैंपिंग लोकेशन आगे, एंड हमारा कैंपिंग लोकेशन आगे। चलो चलते और लंच का प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे अभी बन रहा है हमारा चिकन, ये भाई बना रहा है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप। और भाई आपका? मेरा मोहन कुमार है। मोहन कुमार, और ये भाई बना रहा है अभी चिकन। कितना देर में बन जाएगा ये? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। तो चलो जब तक चिकन बनता है हम थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और एक और भाई है यहाँ पे जो जिनसे पहले मिले थे, सबसे पहले मिले थे ना तुमसे। भाई आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश, जब मैं मंगन में आया था तो यही भाई मुझे खिलाया था खाना वाना। तो चलो चिकन विकन बनता है फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। सब
कटोरी चम्मच ये चमची दे रहा हूँ चमची। तो फाइनली अभी खाना हमारा बन चुका है लंच। लंच में बना है चिकन एंड राइस, तो इसको खाते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। एंड मेन बात, पहाड़ों के बीच में आ गए ना, यहाँ पे बना के यहाँ पे खाना पका के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। मेरा मुंह में तो पानी आ रहा है यार। अभी फ़िलहाल खाना खा लेता हूँ, अभी 2 बज रहा है और वेदर थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है। देखो एकदम मेरे पीछे ये इस साइड में देखो वेदर ख़राब हो रहा है, शायद रात को फिर से स्नोफॉल होने वाला है। मैं फटाफट लंच कंप्लीट करता हूँ और आप लोगों के साथ बात करता हूँ अगर कुछ है। हॉट स्प्रिंग में नहाने का बात चल रहा है, फिर देखते हैं। यहाँ पे एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे अगर जाएंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे नेचुरल हॉट स्प्रिंग। तो चलो मैं खाना खा लेता हूँ, तब तक ये आप यहाँ का एक टाइम लैप्स एंजॉय कर लो, मैं जब तक खाना खाता हूँ। सो दोपहर में लंच करने के बाद हमने सो गया था थोड़ा देर, अब सोने के बाद अब उठा हूँ। 1 घंटा ऑलमोस्ट सो गया था, अब सोने के बाद ही उठा हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे भाई लोग चिकन पकौड़ा बनाया था, वो हमने खाया। यार क्या टेस्ट, पहाड़ में आके टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है खाने का। फिलहाल अभी वेदर का कंडीशन ख़राब होता जा रहा है, आप मेरा देख सकते हो आसपास, आपको दिख रहा होगा शायद। एंड स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, हल्का हल्का सा स्नोफॉल अभी हो रहा है। रात को शायद कल जैसा ही होने वाला है, कल हम लोग इस टाइम पे ही आए थे और यहाँ पे ना पूरा स्नो भरा हुआ था। अभी तो फिलहाल देखो थोड़ा बहुत ही है यहाँ पे स्नो, लेकिन कल रात को जब हम आए थे ना यहाँ पे पूरा स्नो भरा हुआ था। एंड आगे है मेन यांगथांग वैली, वो उस साइड में है जो जहाँ पे लोग टूरिस्ट वगैरह आके अपना सामान वामान खरीदता है, मैगी वगैरह खाता है ना, जो लोकेशन है वो आगे है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आगे। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे भी कैंपिंग कर सकते थे लेकिन किया नहीं, क्योंकि अभी टूरिस्ट का टाइम है, सीज़न का टाइम है टूरिस्ट का। फिर अभी टूरिस्ट सीज़न का टाइम है, हम लोग वहाँ पे कैंपिंग करेंगे तो टूरिस्ट लोग वो नीचे तो फ़ोटो खिंचाने आता ही है, तो वो लोग भी आ जाएगा और हमारा कैंपिंग में डिस्टर्ब होगा। देन इसीलिए हम लोग थोड़ा दूर वहाँ से यहाँ पे अभी कैंपिंग कर रहे हैं। हम लोग यांगथांग वैली हॉट स्प्रिंग के पास आ चुके हैं एंड अभी स्नोफॉल थोड़ा बहुत हो रहा है, कैमरा में दिख रहा है या पता नहीं, बट वेदर पूरा ख़राब हो चुका है अभी। अभी जो ड्रोन शॉट देखे, हम लोग गाड़ी लेके अभी यांगथांग वैली हॉट स्प्रिंग पे ही आ रहे थे। अभी तो अंधेरा हो गया, देखने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। हॉट स्प्रिंग का है वो भी मुझे पता नहीं, शायद ये नीचे है। चलो अगर देखने को मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ।
फिलहाल जा रहे हैं यांगथांग वैली का हॉट स्प्रिंग। एंड ये देखो ये वाला ब्रिज को क्रॉस करके वो ऊपर है, अभी रात हो गया है, सही से दिखेगा भी नहीं गोप्रो में। अभी ब्रिज अभी फिलहाल ब्रिज को क्रॉस करते हैं एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका है, पहले मैं आपको बताया स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मतलब 1-2% एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। एक्स्ट्रा क्या बोले, स्नोफॉल का थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, शायद कैमरा में दिख रहा है या नहीं पता नहीं। तो चलो ये ऊपर है, तो चलो डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचते और आप लोगों को दिखाते हॉट स्प्रिंग, क्योंकि गोप्रो का जो ऊपर के लाइट लगा हुआ है ना व्लॉगिंग लाइट, इसके वजह से मुझे आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम लोग हैं अभी यांगथांग वैली हॉट स्प्रिंग पे, अभी बिपिन जी को नहाना है यहाँ पे। पानी ये देखो, अरे ये कौन सा अंदर आ रहा है, पूरा गर्म पानी। ये क्या हॉट स्प्रिंग है पे, ये वाला एक ऊपर पे बढ़िया आ रहा है, बिपिन जी सामने पे। अच्छा अच्छा वहाँ से आ रहे हैं या फिर ये दूसरा? ये दूसरा दूसरा है। अरे वो मैं ये चावल नहीं सर, कुछ नहीं होगा भाई ने नहीं ना आया, नहीं ना आया, हम दोनों छोड़ के सब ने नहा लिया यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में। तो चलो अभी चलते हैं गाड़ी के पास और कैंप साइट पे जाएंगे अभी हम लोग। ये देखो सीढ़ी पे स्नो गिरा हुआ है एंड गाड़ी हमारा बहुत दूर खड़ा है यहाँ से, वो वाला ब्रिज जो अभी आए थे उसको क्रॉस करके अभी जाना पड़ेगा। अभी गिरते गिरते बचे स्नो में। अप्रैल से शुरू होता है ना, अप्रैल में सितंबर लास्ट तक, अक्टूबर से नहीं मिलता है, इस साइड में मिलता है ना। और हल्का फुल्का सा स्नोफॉल हो रहा है, वो दिखेगा नहीं अभी कैमरा में, एक दो बूंद गिर रहा है। तो चलो अभी गाड़ी के पास पहुँचते और कैंप साइट पर चलते, गाड़ी में दिखाने का तो कुछ है नहीं रात में इतना, फिर भी जितना भी हो सके मैं दिखा रहा हूँ। और रिवर का साउंड सुनो आप एक बार। फिलहाल हम लोग गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारा जो कैंप साइट है वो अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास है। एंड देखो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट है, जब हम लोग यहाँ से गए थे उसी टाइम से गाड़ी स्टार्ट करके गए थे, क्योंकि ठंड में ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसीलिए ऑन करके चले जा रहे हैं। यहाँ पे अभी चोरी वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। फिर भी अभी तो बहुत देर से ऑन है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग वहाँ पे थे। और यहाँ पे एक घर भी है, ये शायद दिखेगा नहीं ठीक से, ये वाला घर, हाँ ये टूरिस्ट के लिए है ना, फॉरेस्ट का है। अच्छा फॉरेस्ट फॉरेस्ट का बंगला है। अच्छा वो लोग जब काम करते हैं ये सब यहाँ पे, बस थोड़ा वहाँ पर थोड़ा सा गिरा है, हाँ हल्का हल्का सब गिर रहा है बर्फ। तो चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं और हमारा कैंप साइट की तरफ चलते हैं। फिलहाल गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो, पलटा दो टक्कर चल ले। रोस्टेड चिकन तो अभी रात के खाने में बन चुका है, रोस्टेड चिकन राइस और क्या बना है, राइस दाल बना है ना। और ये है रोस्टेड चिकन, ये है राइस, दिखाने का जरूरत नहीं है। राइस राइस ही होता है ना। लो
तो चलो अभी खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाएंगे जल्दी। अभी टेम्परेचर हो रहा है -6, कल स्नोफॉल होने का चांस है दोपहर 12 बजे से, देखते होता है या नहीं। तो चलो डिनर करते और सो जाते हैं। ये भी दिखा दीजिए, ये वाला ये हम लोग का हॉट स्टॉप है। पूरा गर्म है, इसमें तो रोस्ट हुआ है तो पूरा वो नीचे आ गया टेंपरेचर। अभी इसका 500 होने वाला है, 400 है, इसमें रोस्ट हुआ है। अम्मा बाबा जाना, इतना गर्म हो, इतना गर्म होता है ना इससे। चिकन खा लीजिए, स्टार्ट करिए चम्मच यहाँ पर है। तो ये रात का डिनर, चिकन दाल राइस। तो चलो डिनर एंजॉय करते हैं, फिर सो जाएंगे जल्दी आज। अभी फिलहाल रात के 10:36 हो रहा है और डिनर करके हम लोग अभी सो गए। टेम्परेचर है बाहर का -6। चलो सो जाते, सुबह मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। टाटा।